जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, पितृ पक्ष में अपने पितरों के उद्धार के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसको हम पार्वण श्राद्ध बोलते हैं। पार्वण श्राद्ध मतलब पिताजी, दादाजी और परदादाजी, मतलब पिताजी के कुल के तीन पीढ़ी, और दूसरा माता माह मतलब नाना जी, पर नाना जी, वृद्ध पर नाना जी, मिला करके छह लोगों का जो है इसमें मुख्य रूप से श्राद्ध किया जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, आप अभी मैंने थोड़ा वाइड लिया तो छह स्थान आपको छह शेप दिखाई दे रहा है, तो छह शेप मतलब ये तो उनका भोग है, पर आप स्थान अगर देखेंगे तो ये पत्ता बिछाया जाता है, इसके ऊपर ये कुशा का आसन बनाया जाता है, जैसे सिम कार्ड होता है इसी कुशा के ऊपर उनको आवाहन करके उनका पूजन किया जाता है। अगर पिताजी जीवित हैं तो पिताजी के पिताजी से तीन पीढ़ी प्रारंभ होता है, तो प्रथम पिताजी हो गए, इसके बाद दूसरा स्थान दादाजी का, ये तीसरा परदादा जी का, इसके बाद माता माँ मतलब नाना जी का, इसके बाद पर नाना जी, और इसके ऊपर में वृद्ध पर नाना जी का श्राद्ध किया जाता है। और ये सपत्नीक होता है, मतलब नाना नानी साथ में, अगर माता पिता ने तो उनका साथ में, तो इसके बाद में ये इनका पिंड वेदी जहाँ पर इनको पिंड प्रदान किया जाता है, इसको और भी अच्छी सजा सकते हैं, पर सामान्यतः ऐसा भी मैंने सजाया। छह स्थान आप देख रहे हैं, जैसे कि पिता, प्रपिता और दादाजी का तीन हो गया, मतलब पिता, पितामह, प्रपितामह, मतलब पिताजी, दादाजी, पर दादाजी का तीन हो गया, और इसके बाद आप ये देखेंगे तीन ये हो गया नाना जी, पर नाना जी, वृद्ध पर नाना जी, मतलब छह हो गया। और एक एक्स्ट्रा स्थान है जो हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, गुरुजी हैं, हमारा कोई भांजा है, भगना है, मामा है, हम किसी के लिए भी देना चाहें तो आप ये बेटी और भी बड़ा बना सकते हैं। इस प्रकार से ये छह लोगों का श्राद्ध एक साथ में किया जाता है। और दोनों कुलों के दो देवता होते हैं जिनको हम विष्णुदेव कहते हैं, ये देव कुल में आते हैं, इनकी सामग्री अलग होती है, जैसा कि इनको जो चढ़ाया जाता है, जो यहाँ धुला रखा हुआ है, चंदन इनका अलग है, ये अर्घ पात्र है, ये आप स्थान देखेंगे तो विष्णुदेव जो है पिताजी के कुल के हो गए। अब जैसा कि आप देखते हैं पहले से मैं सब लगा के रखा हूँ ताकि उस समय असुविधा ना हो, आदमी जब कार्य प्रारंभ हो तो आनंद पूर्वक जो है कार्य चलता रहे, सामान ढूंढना ना पड़े। तो जैसा कि इनका आप देखेंगे आसन है, इसके बाद में वस्त्र है, इसके बाद में ये जनेऊ है, चंदन यहाँ जो चढ़ाया जाएगा, फिर इनको यहाँ मिठाई रखना है, फल है, तांबूल है, और ये सुपारी है, और दक्षिणा जो है यहाँ डबल सुपारी हो गई, तो दक्षिणा इनको बाद में उसी समय अर्पण किया जाएगा। इसी प्रकार से ये माता जी के कुल के विष्णुदेव हैं। तो ये आप देखते हैं छह आसन लगाया गया है, सारी सामग्री रखी गई है, और तैयारी जितनी अच्छी हो, जैसे कि आप ये देख रहे हैं एक्स्ट्रा हमने रखा है ये सात रुमाल रखा है, तो जब पिंडदान हो जाएगा तो इसके ऊपर अलग अलग हम यहाँ पर रखेंगे, सबको चढ़ाएंगे। इसी प्रकार से सात जनेऊ अलग रखा है, सात तांबूल पत्र रखा है, ये सुपारी रखी हुई है, दक्षिणा रखा हुआ है, ये अलग अलग दोबारा बाद में ये दूध का जलधारा दिया जाता है, तुलसी पत्र है, और इसमें जो सबसे बड़ा महत्व है भंगरैया के पत्ते का, पुत्र पुष्प में भंगरैया का पत्ता, ये स्वर्ण के बराबर होता है, इसको अवश्य प्रयास करके लाना चाहिए। और ये माला रखा है जो बाद में पिंडों के ऊपर में अर्पण किया जाएगा, आप चाहें तो इनके पितरों के स्थान पर भी अर्पण कर सकते हैं। इसके साथ में ये इनका बीच में भोजन परोसा जाता है, तो ये भोजन बना भी रखा हुआ है, और ये भोजन इनको अर्पण किया जाएगा, बाद में इसी में से ग्रास इत्यादि निकाल दिया जाएगा, अलग से भी निकाल सकते हैं, और ये पिंडा का निर्माण भी पहले से कर दिया गया है ताकि उस समय जो है असुविधा ना हो। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक हमारे ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही परम प्रिय भैया यजमान जी हैं, सर्वदानंद जी हैं, उनकी आदरणीय माता जी हैं और ये चाची जी हैं, तो ऐसा फोटो की आवश्यकता नहीं होती अगर, लेकिन हम श्रद्धापूर्वक रखना चाहें तो बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि बिना तस्वीर के हमारी भावनाएं उतनी उमंगित नहीं होती, हमारी भावनाएं आती नहीं है, तो हमारी भावनाएं आए, और क्योंकि श्रद्धया दियते क्रियते श्राद्धम, जब हम फोटो देखते हैं कहीं मंदिर का, मंदिर देखते हैं तो हमारी श्रद्धा जगती है, फिर हम भगवान की मूर्ति को देखते हैं, उनके नेत्रों को देखते हैं, तो हमारी भावना और भी जागृत हो जाती है। इसी प्रकार से फोटो का उस रूप में महत्व नहीं है, पर रखना चाहें तो हमारी भावनाएं और ही उत्तम होती हैं, तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, पर ये थोड़ा सा अगर आप ऑनलाइन आचार्यों से कराते हैं तो ये थोड़ा खर्चीला मामला हो जाता है, तो बिना इसके भी हो सकता है, आप चाहें तो ऐसा भी करा सकते हैं। जो हमारे परम प्रिय सम्मानीय भैया जो बहुत ही आग्रह करके हमारे सहयोगी जी से कि हमारे माताजी और चाची जी के लिए अच्छे से हो, वो उन्होंने आग्रह किया था, तो ऐसा हमने भी प्रयत्न किया है। इसमें मिट्टी के पात्रों का और ये पत्तल इत्यादि का विशेष महत्व दिया गया है। ये जो दोना भी देख रहे हैं ये प्लास्टिक नहीं है, ये जो दोना है ये नारियल के पत्तों से बना हुआ है,
नारियल सुपारी के पत्तों से मैं भूल गया, इधर की पवित्री कुशा अलग है और इधर की ये देखेंगे पवित्री और कुशा अलग है, जलपात अलग है। तो इस प्रकार से स्वयं नहीं करना चाहिए, बिना आचार्यों के ऐसा कार्य हो नहीं सकता है, स्वयं हम तर्पण कर सकते हैं। तो ये माता पिता के लिए जो हमारे लिए सदैव कुछ ना कुछ करते आए हैं, तो उन सब के लिए करना बहुत ही उत्तम होता है। और इसी प्रकार से जैसे विश्वदेव के लिए रखा गया था, उसी प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि ये पिताजी का है स्थान है, पिताजी जीवित हैं तो दादा दादी का स्थान है, वहाँ पर भी आसन है, कुशा है, जनेऊ है, वस्त्र है, इसके बाद में चंदन इत्यादि फूल तो उस समय अर्पण होगा। ये जो पुष्प हमने अर्पण किया है ये केवल सजावट की दृष्टि से, क्योंकि कोई आपके यहाँ ये इसको कहते हैं पितृ यज्ञ भी कहते हैं, पितृ का उत्सव भी कहते हैं पूरे पितृपक्ष को, कि ताकि ऐसा हम सजा करके रखें ताकि उनको आकर ही प्रसन्नता हो। जैसे आप किसी के घर में जाते हैं, आदमी थोड़ा भी रंगोली बना के रखा हुआ है, कुछ वो करके रखा हुआ है, तो हमें प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से अगर हम सजा के रखते हैं तो हमारे पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं। तो इससे संबंधित और भी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी, तो हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन से भी केवल श्राद्ध हो सकता है, अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो केवल अन्न दान से भी कार्य कर सकते हैं। सारा जो है ये तीनों लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। जय श्याराम बंधु। जैसे हमारे मित्र और मित्र तो अभी हमारी बात भी नहीं हुई, सर्वदानंद जी के आग्रह पे श्राद्ध संपन्न हो रहा है, ऐसे आप सभी लोग भी श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के प्रति श्राद्ध कराएं और पितरों की कृपा से मन चाहा जो उसका फल है वो प्राप्त करें। जय श्री राम।